नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोगों के हाल? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ मेरी जान। सो आज हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम भाई के बारे में, जिनका नाम है एल्विश यादव। जी हाँ, सिस्टम भाई आते ही एल्विश यादव आ जाते हैं, राव साहब आ जाते हैं। बहुत सारे नाम लोगों ने अपने अपने रखे हैं उनके फैंस ने, और उनका पहला सॉन्ग आ चुका है मार्केट में भाई, और तहलका मचाने के लिए है तैयार। और जिन्होंने ये गाया है उनका नाम है यासिर देसाई, जिन्होंने पहले ही अपनी आवाज दी है जॉन अब्राहम को फ्रॉम द मूवी परमाणु। या तो अभी उन्होंने एल्विश यादव को अपनी आवाज दी है। So, अगर हम बात करें इसके सॉन्ग के बारे में, तो एल्विश यादव से काफी सारी उम्मीदें थी और जो कि उन्होंने फुलफिल भी करी। लेकिन 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 मुझे इसमें एक चीज थोड़ा सा अजीब लगी। अब ये बोलो कि एक्ट्रेस कोई और ले सकते थे, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी शहनाज गिल ही ले सकते थे, क्योंकि जिस तरीके का एल्विश का कैरेक्टर दिखाया है और वो है, तो वो एक स्वीट क्यूट रफ एंड टफ भी एट द सेम टाइम बंदा है। बट उनकी बात नहीं करते, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एल्विश यादव और सिस्टम भाई के बारे में। पहला सॉन्ग है, इतना बेहतरीन परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि अब उन्हें मूवीज में आ जाना चाहिए, नो डाउट। और ज़बरदस्त इनकी। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेंशन, मतलब हाईलाइट करने वाली चीज़ है, कि जो जैसे कि बिग बॉस में आप सभी ने देखा होगा, हमने भी देखा उन्हें, कि उनके दोस्तों ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और यारी हो तो एल्विश यादव के दोस्तों जैसी और उनके जैसी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने एल्बम में भी, अपनी फर्स्ट एल्बम में जो सॉन्ग है उनका, उसमें भी उन्होंने अपनी दोस्तों को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। और जो स्टोरी लाइन है ना कि दोस्त सपोर्ट करते हैं, और ये जनरली होता भी है, बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे बॉयज में दोस्त होते हैं, और फिर लाइक टीज करना, मतलब दोस्त को भी, उसको सपोर्ट करना, उसकी हेल्प करना किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में। इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स अबाउट पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ टू। तो दोनों में ही उनके बहुत, मतलब एक बहुत अच्छी यारी देखने को मिली है। थिएटर खाली कर दिया, और जिसने भी स्टोरी लाइन भाई लिखी है बहुत मज़ेदार है। अपने उन्होंने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा इस सॉन्ग में। पहला सॉन्ग लाइफ का यादगार रहता है, और सभी को अपनी पहली चीज़ करी हुई यादगार रहती है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली एल्विश के लिए ये जो थे ये सॉन्ग, मैं मानूंगी कि एल्विश और एल्विश के दोस्तों वाला सॉन्ग था। उर्वशी रोटेला को मैं, मतलब ठीक है, सपोर्टिंग रोल में ले सकती हूँ, लेकिन 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 इट्स ऑल अबाउट एल्विश यादव, सिस्टम भाई एंड उनके दोस्त। तो ओवरऑल सॉन्ग बहुत अच्छा था, लिरिक्स बहुत प्यारे थे, और म्यूजिक बहुत अच्छा है। यासिर देसाई के तो सभी फैन हैं। सो मुझे पर्सनली फेवरेट है, मतलब कह सकती हूँ कि अभी रिसेंटली जो आ रहे हैं, जैसे जितनी दफा मुझे बेहद पसंद है, उसके बाद मुझे ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, और लिरिक्स बहुत अच्छे थे, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी। सो मुझे तो बहुत मजा आया देखने में। और आपको कैसा लगा, रिएक्शन आपका क्या था इस सॉन्ग के बारे में और सिस्टम भाई के बारे में? अनडाउटेडली बहुत ही सुपरहिट एल्विश यादव को अब आप मूवी में देखना चाहेंगे या नहीं, जरूर कमेंट करिएगा। इनके परफॉर्मेंस से मुझे लगा ही नहीं कि ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा है बंदा, ये ऐसा लग रहा है पूरा सीख के आया हुआ है और सब कुछ काफी टाइम से कर रहा है। बहुत बहुत नेचुरल एक्टिंग लगी मुझे इनकी, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ मुझे तो लगता है मूवीज में ट्राई करना चाहिए। और बाकी इनके इट्स अप टू हिम। फिलहाल आज के ओवरऑल परफॉर्मेंस और सब कुछ बढ़िया, बस उर्वशी रोटेला की जगह यार एक बार मैं ये बोलूंगी शहनाज गिल के साथ परफॉर्मेंस बनती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल फैमिली। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग अस। या जय हिंद।